सलाम वालेकुम सारे वीर भरावान का की हाल चाल है। ठीक हो और सुनाओ सेहतां बेहतर ठीक ने? उम्मीद है कि सब अच्छे ने। ये जी बड़ी मुश्किल टाइम कढ़िया सी मैं चलो दोस्तों नूं दस लिए पुरानी याद करा। हूँ असं आए हैं जी, है मेरे फ्रेंड ने चौधरी अहमद ते हफसादी। ये जी हूँ असं आए हैं रेलवे स्टेशन ते जो कि हूँ बंद है इस टाइम, तो बहुत पुरानी यादा ने तुहानू सब कुछ दसने। साढ़े को बहुत अजीम तोहफा सी ये, तो हुकूमत ने थोड़ी देर गौर नहीं की, हूँ तो थंडर हो गया। तो है जी हूँ तुहानू कराने विजिट है जी। देखो किसी दौर का दरख्त है जिथे लोग पहले क्याम करते रहे ना, ते आओ तुहानू दसीए रेलवे स्टेशन का जिथे लोग क्याम करते रहे। देखो जी इत्थे ते बहुत बुरा हाल हो गया है, बहुत कम खराब है। साड़ी हुकूमत नारोवाल इन्होंने नवा स्टेशन रेलवे स्टेशन बनाया, तो इन्हों चाहिए कि शकड़गढ़ भी एक बनवान। ऐ बने तो ठीक है, मगर जे ये तो थोड़े पैसे ला के इन्होंने सीधा पदरा कर लेन तो क्या ही बात है। देखो जी कोई कुछ नहीं रह गया इत्थे, बहुत बुरा हाल है जी। देखो तुम देख सकते हो बहुत बुरा हाल है इत्थे। ये तुम देख सकते हो कि साल पहले इत्थे बहुत रौनक होंदी रही सी, बहुत रौनक सी इत्थे। देखो जी हुण की बन गए, लोग अपनियां मझां वगैरह इत्थे हुण बन रहे ना रेलवे स्टेशन ते स्टे एरिया ते मझां वगैरह बन रहे ना। की बनना सुकून दा। देखो जी उस दौर दे स्टे एरिया, देखो किचन उस दौर दा किचन है जी। बहुत बुरे हालात ने इत्थे, काफी ज्यादा जगह है रेलवे स्टेशन, काफी बड़ा है जी। तुम देख सकते हो काफी ज्यादा जगह है, मगर मैं तुम्हें अंदर जाके नहीं दस सकता क्योंकि इतने तुम देख सकते हो बहुत चिक्कड़ वगैरह है, काफी ज्यादा जगह अंदर, तो मैं तुम्हें नहीं दस सकता क्योंकि इतने चिक्कड़ बहुत है। तो तुम उधर लै के जाने ट्रेन का डब्बा एक पिया, वो तुम दिखाने जी। तुम देख सकते हो कि ट्रेन का डब्बा एक इत है, बाकी ट्रेन लै गए तो एक डब्बा इतने छड़ गए। इन्होंने चाहिए कि एक डब्बा भी आ जाने। देखो जी काफ़ी ज़्यादा डब्बा है वड्डा, तो इन्होंने चाहिए कि यह भी डब्बा लैके जा सकते जी, मगर इन्होंने इतने चढ़ चढ़िया क्योंकि भार बड़ा ज़्यादा हो गया सी। अज तुम देख सकते हो क्या सामने, देखो बोर्ड पर लिखा तहसील शकड़गढ़ रेलवे स्टेशन। है जी डब्बा ट्रेन का डब्बा, तुम अंदर जा तुम दसने जाने। देखो जी डब्बा एक सीट नहीं छड़ी देना ने, हर चीज लैके देना। देखो जी बहुत बुरा हालात ने, इन्होंने जिस तरह नारोवाल नवा रेलवे स्टेशन बनाए तो इन्होंने चाहिए कि शकड़गढ़ भी शुरू कर, मगर ये नहीं शुरू किया। देखो जी ट्रेन की पटरी तो सही बनी दी है, मगर साफ सफाई होने वाली है, तो साड़ी हुकूमत चाहिए कि थोड़ा
गौर करने ना दे इस स्टेशन ते देखो है जी तुसी देख सकते हो कि जी ट्रेन की पटरी है ये मरियाल तक गई है तो मरियाल इस पटरी की वजह तो यदा मरियाल स्टेशन नाम मशहूर हो गया तो मगर हूँ वो हालात नहीं रहे तो तुम सामने देख सकते हो खंबा टाइप लगे दा दो नाल पखा जिस तरह पर टाइप ने तो ये सी ट्रेन नू रोकन वास्ते घंटी बजाते सी ते ट्रेन रुक जाती सी ते है जी तुसी देख सकते हो कि जी ट्रेन की पटरी है ये मरियाल तक गई है तो मरियाल इस पटरी की वजह तो यदा मरियाल स्टेशन नाम मशहूर हो गया तो मगर हूँ वो हालात नहीं रहे तो तुम सामने देख सकते हो खंबा टाइप लगे दा दो नाल पखा जिस तरह पर टाइप ने तो ये सी ट्रेन नू रोकन वास्ते घंटी बजाते सी ते ट्रेन रुक जाती सी ते जी तुसी देख सकते कि उस वक्त का नलका लगे दा ते इतों बजुर्ग शहरी बजुर्ग वजू वगैरह करते रहे ने ते ओ सामने वो जिथे मैं तुहानू अंदर जाके नहीं दस सकया ते ओ उत्थे नमाज पढ़ते रहे ने बड़ा इन्हां दा निज़ाम हुंदा रहा सी ते हुण ओ दिन नहीं रहे दे चलो की करना फिर हाँ जी इत्थे किन्नी तरक्की हो गई इत्थे हॉस्पिटल स्कूल हर चीज़ कॉलेज वगैरह मगर स्टेशन उत्थे दा फेरे है जी तुसीं इत्थों असीं गुजर रहे सी ते सामने सानूं तारक नीस दा चोरी तारक नीस दा डेरा लभा जो पी टी आई के तरीके इंसाफ पी पी 47 के एम एन ए से रहे हैं तो हूँ असं जा रहे हैं वापस साढ़ा वापस का टाइम शुरू हो गया देखो जी रस्ता बहुत खराब है इस वास्ते है जी हूँ असं जा रहे हैं वापस घर न शाम का टाइम हो गया इस वास्ते मैं गया कि चलीए घर न हूँ असं जा रहे हैं घर वापस तुम देख सकते साढ़े शहर च कि रौनक है रात को बहुत इतने बहुत ज़्यादा रौनक है तुम रात के 1 बजे भी आओगे ना ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਰਟ ਕੈਸ਼ ਕਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਮ ਸੀ ਬੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਇਹ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਕਰ ਘਰ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਹਰੀ ਹੋਟਲ ਜਿੱਥੋਂ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੰਡੋਲਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਦਾ DHK ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਮ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮਜ਼ਾਇਲ ਚੌਕ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਇਲ ਚੌਕ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਅਲਾਊ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ
जी सामने साढ़े शहर का मशहूर अल्लाहू चौंक, इतने अं पुज गए हूँ जा रहे हैं वापस घर न जी। साढ़े शहर का अला मशहूर अंबाला स्वीट जिदा हूँ असं विजिट कर लगे हैं है जी। अंबाला स्वीट का हूँ असं विजिट कर रहे, माशाला बहुत प्यारी बनाई है जी। कोयटा दल मशहूर अंबाला स्वीट तो उदी ब्रांच ब्रांच उदी पहले नारोवाल आई है, फिर हूँ शकड़घर शिफ्ट हो गया, कोई हफ्ता को हो गया है जी। बहुत प्यारा हूँ स्टे एरिया अंबाला स्वीट का भाई, उन्होंने भी विजिट करा रहे हैं ते गर्मी बहुत ज्यादा ते मैं भी कोल्ड ड्रिंक एक एक पी लिए। मैं जी कोल्ड ड्रिंक एक एक ली हूं अं पी रहे हैं, हूँ वापस आओ चली है जी। असं हूँ घर वापस जा रहे हैं, तो थोड़ा ही रह गया, सिर्फ थोड़ा ही रह गया है जी। आ गया बाइको पंप है जी, असं अपने घर पुज गए हैं जी। असं हूँ घर पुज गए, तो अज का ब्लॉग मेरा इतने खत्म होता है। सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज़, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। अल्लाह हाफिज़।